लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं सानिया जैन, आई नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ खबरों पर। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि हम बयानबाजी में विश्वास नहीं करते हैं, जिसके पास बहुमत है वह सरकार बनाएगा, मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही होगा, मेरी कभी कोई आकांक्षा नहीं थी। उन्होंने कहा कि मातोश्री में आज शिवसेना विधायकों की बैठक होगी, इस बैठक में उद्धव ठाकरे आगे की रणनीति बताएंगे। झारखंड के बोकारो में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के गोविंदपुर में बुधवार को करीब आधा दर्जन लोगों ने ट्रक की बैटरी चोरी के आरोप में दो लोगों को घेर कर पीटा, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। चक्रवाती तूफान महा के कमजोर पड़ने के बाद अब बंगाल की खाड़ी में ऐसा ही एक और तूफान बन रहा है, जिसे बुलबुल नाम दिया गया है। ओडिशा में इस समय बुलबुल का खौफ लोगों के बीच दिख रहा है, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही ओडिशा में तूफान फानी को झेला था। अरानी इंटरप्राइज और दिल्ली एयरपोर्ट इंटरनेशनल लिमिटेड डेल समेत चार बोलीदाताओं ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में प्रस्तावित जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए बोली लगाई है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। करीब 29,507 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से NCR में बनने वाले इस दूसरे हवाई अड्डे के लिए कंपनी के चयन को लेकर आमंत्रित तकनीकियां बोली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड NIAL के ग्रेटर नोएडा दफ्तर में खोली गई। लगातार छठे दिन यानी 7 नवंबर गुरुवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लेकर खुशखबरी है। आज भी इनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में आज पेट्रोल कीमत 72.60 रुपए प्रति लीटर है, वहीं डीजल की कीमत 65.75 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर है। सरकारी तेल कंपनियां रोज कीमतों की समीक्षा करने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें तय करती है। बुर्किना फासो में हुए एक आतंकी हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। PTI के मुताबिक ये हमला एक कनाडियन खनन कंपनी के कर्मचारियों के काफिलों पर घात लगाकर किया गया। इस पश्चिम अफ्रीकी देश में यह पिछले करीब 5 साल में हुआ सबसे घातक आतंकी हमला है। हमले में 60 लोग घायल हुए हैं। गुरुवार तड़के सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल CRPF के एक कांस्टेबल की मौत हो गई। मुठभेड़ तड़के लगभग 3:50 पर हुई, जब CRPF की कोबरा यूनिट के साथ राज्य पुलिस तलाशी अभियान चला रही थी। मुठभेड़ में CRPF कांस्टेबल की गोली लगने से मौत हो गई। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में भाग लेने के लिए कई मशहूर हस्तियां पहुंची। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तावंग ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में भाग लेने के लिए धर्मशाला पहुंचे। विशेष विमान से 40 सदस्यों का एक दल भी गगल एयरपोर्ट पहुंचा। इन्वेस्टर मीट की ब्रांड एम्बेसडर यामी गौतम भी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में भाग लेने के लिए धर्मशाला पहुंची। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियां बर्फबारी से लकदक हो गई हैं। जनजातीय जिलों लाहौल स्पीति किन्नौर के अलावा कुल्लू और चंबा के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बुधवार रात से बर्फ गिर रही है। लाहौल घाटी के प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रे पर करीब 1 फुट ताजा हिमपात होने से सामरिक महत्व के मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। IDBI बैंक ने विजय माल्या को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है और किंगफिशर एयरलाइन से जुड़े 1,566 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं करने पर एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस पर माल्या की पुरानी पासपोर्ट साइज की फोटो लगी हुई है। बताते कि विजय माल्या फिलहाल लंदन में है और भारत सरकार ने उन्हें प्रत्यारोपण के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। देश विदेश की खबरों में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।